हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेकेंड, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल आर वेरी वेल। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ लेट्स मूव टू आवर टुडेज टॉपिक। एंड टुडेज टॉपिक इज़ अबाउट यू द एक्सप्लेनेशन पार्ट ऑफ नेक्स्ट पेज। ओके, एंड टुडे वी हैव पेज नंबर 14। स्टरडे वी ऑल वर टॉकिंग अबाउट पेज नंबर 13 ना, एंड आज हम लोग पेज नंबर 14 को रीड करेंगे। एंड इन विच चैप्टर यू हैव व्हाट, विच चैप्टर इज गोइंग ऑन? चैप्टर कौन सा चल रहा है आपका? सेकेंड चल रहा है ना, डबल मॉडल चैप्टर इज गोइंग ऑन। कल हम लोग ने एक्सप्लेन किया था एंड आज हम लोग नेक्स्ट पेज को एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर? तो कल हम लोगों ने क्या सीखा था? देर आर टू बॉयज आर टू ब्रदर्स। ओके, एंड व्हाट आर देयर नेम? उनके नेम क्या हैं? वासु एंड प्रभु। और वो दोनों क्या हैं? बिल्कुल आइडेंटिकल ट्विन्स हैं। दोनों ट्विन्स हैं ना, आइडेंटिकल, दोनों एक जैसे दिखते हैं। सो ऑल वर कन्फ्यूज अबाउट लुकिंग टू देम, इवन समटाइम देयर फादर मदर लाइक अप्पा अम्मा, ठीक है। और कभी कभी इनके क्लास के जो टीचर्स हैं, इनके फ्रेंड्स हैं, वो भी क्या होते हैं? कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। क्यों कन्फ्यूज हो जाते हैं? क्योंकि दोनों बॉयज़ हैं वो सेम दिखते हैं, ठीक है। और ये दोनों बॉयज़ जो हैं वो क्या लाइक करते हैं? इनकी अम्मा जो है वो जो डोसा बनाती हैं उसको ये लोग लाइक करते हैं, ठीक है ना। बट कॉज ऑफ सम वर्क और कॉज ऑफ समथिंग देयर मदर वॉज स्टेइंग ओके ऑन देयर ग्रैंड मदर्स होम, एंड आफ्टर सम टाइम सी इज़ कमिंग बैक। बट कुछ टाइम के बाद क्या हो रहा है? वो वापस आ रही हैं। एंड वासु एंड प्रभु बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, खुश हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि अब तक क्या हो रहा था, उनके अप्पा जो हैं वो उन्हें दाल राइस, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्या कराते थे, फीड कराते थे, खिलाते थे। बट और वो लोग क्या लाइक करते थे? उनकी अम्मा जो डोसा बनाती थी उसको वो लोग लाइक करते थे, ठीक है। सो नाउ आई विल स्टार्ट टू रीड फ्रॉम हियर। On the way from school, and they both were coming back from school. On the way from school, they saw some friends walking ahead. Prabhu stopped to chat with them and for a while, but They saw some friends walking ahead. Prabhu stopped to chat with them for a while, but Vasu rushed back home. यहाँ देखिए, on the way from school, जब वो लोग स्कूल से क्या हो रहे थे, वापस हो रहे थे, रिटर्न हो रहे थे, they saw some friends walking ahead. Then उन्होंने क्या देखा कि उनके कुछ जो फ्रेंड्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो भी उनके साथ वॉक करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। Prabhu stopped to chat with them for a while. ठीक है, तो प्रभु क्या करते हैं, वो वहाँ पे स्टॉप हो जाते हैं और उनके साथ चैटिंग करने लगते हैं, मीन्स उनसे टॉकिंग करने लगते हैं, बात करने लगते हैं फॉर अ वाइल। बट वासु रस्ट बैक होम, बट वासु क्या करते हैं, वो वहाँ से होम की तरफ बैक कर जाते हैं, वो होम की तरफ चले जाते हैं। वेयर इज़ प्रभु? अम्मा आस्ट वासु व्हेन ही रीच्ड होम। और जब वासु जो है वो एलोन होम पे पहुँचते हैं, रीच करते हैं, देन उनकी मम्मी जो है वो अम्मा जो आस्क करती हैं कि वासु, वेयर इज़ वासु, वासु कहाँ है? ही इज़ टॉकिंग विथ सम फ्रेंड्स एंड देन वासु टोल्ड टू हर मदर दैट ही इज़ टॉकिंग विथ सम फ्रेंड्स। वो क्या कर रहे हैं? प्रभु जो है वो बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं? अपने फ्रेंड से। एंड ही विल बी होम सून, और ये भी बताते हैं कि वो जल्दी ही क्या करेंगे, होम पे आएंगे, घर आएंगे। वासु रिप्लाइड ओके, ही वॉश द हैंड एंड एट फाइव डोसास, एंड आफ्टर दैट आफ्टर कमिंग बैक टू द स्कूल, वो क्या होते हैं, वॉश करते हैं अपने हैंड्स को और फाइव डोसास जो उनकी मदर प्रिपेयर की रहती हैं, कुक की रहती हैं, उसको वो ईट करते हैं, ठीक है ना, खाते हैं। आई वॉन्ट सम मोर, सेड वासु। एंड वॉट डिड वासु से आफ्टर ईटिंग दैट फाइव डोसास?
वो कहते हैं कि मुझे क्या चाहिए, मुझे और भी डोसाज चाहिए. सेड वासु, वासु कहते हैं यू हैव ऑलरेडी ओवर ईटन. एंड देन आफ्टर लिसनिंग टू दिस हर मदर, उनकी मदर जो है वो क्या कहती हैं कि यू हैव ऑलरेडी ईटन, ओवर ईटन मीन्स यू हैव ऑलरेडी ईटन टू मच. नाउ देयर इज बैटर लेफ्ट फॉर ओनली 5 मोर डोसास फॉर प्रभु. एंड देन सी सेड ऑल्सो कि अब जो डोसा का जो बैटर है, जो पेस्ट उन्होंने तैयार किया है, लेफ्ट फॉर ओनली, वो लेफ्ट है कितने डोसास के लिए, 5 मोर डोसास, ओनली फॉर 5 मोर डोसास. वो डोसास किसके लिए था, प्रभु के लिए था. अम्मा सेड Get up and wash your hand. And then she suggests to whom? किसको करती हैं? वासु को कहती हैं कि अब आप क्या करो, You should get up and wash your hand. और आपको अपना Okay, तो उनकी मदर क्या रिप्लाई करती हैं? She said, now you have already eaten too much and now there are something better for only 5 dosas and for that was for whom? That was for Prabhu. And that's why she said to get up, okay, get up and wash your hands. Don't forget to dry them with the towel. और ये भी suggest करती हैं कि क्या करना, don't forget means आपको भूलना नहीं चाहिए, dry with the towel. After washing your hand, आपको अपने hand जो है वो towel से क्या करना चाहिए, dry करनी चाहिए, ठीक है ना. Next, Vasu got up from the dining table. अब Vasu जो है वो dining table से क्या हो जाते हैं, उठ जाते हैं. After a while, means after some time, Amma saw Prabhu standing by the table. And after some time, Amma जो है means इनकी जो mother है वो क्या करती है, देखती है कि प्रभु जो है वो कहाँ stand है, वो table के पास, dining table के पास stand है. And she thought that now he was Prabhu. Did you wash your hands? And now वो क्या करती हैं, question पूछती हैं, वो ask करती हैं कि क्या आपने अपना hand wash किया है. अम्मा आस्क्ड यस ही सेड. और वो क्या कहते हैं, हाँ मैंने अपने हैंड को वॉश कर लिया है. कम एंड हैव डोसा सेड अम्मा. और कहती हैं सी सेड कम एंड हैव डोसाज मीन्स आप यहाँ क्या कीजिए, आप यहाँ आइए. ओके एंड हैव डोसाज मीन्स नाउ लेट्स स्टार्ट टू ईट दी डोसाज. ही सेट डाउन एंड एंजॉयड दी 5 डोसाज. एंड आफ्टर ही sat there and enjoyed means had eaten that 5 dosas. Ah, that was good. And then he said, that was really good means jo dosas jo bahut hi acche the. He said patting his tummy and left the dining room. Aur wo apne stomach pe, tummy pe kya karte hain, hand rakhte hue kehte hain kya hai, left the dining room means really that dosa was very good. He felt very happy after eating to these dosas. Amma Prabhu called, Amma give me dosas, he said. And just during that time Prabhu reached at home and then he called to his Amma and asked, Amma give me dosas. Amma mujhe kya kijiye, dosa dijiye, he said. You just ate 5 dosas. And then as jaise ki aap log dekh rahe hain ki आपके जो ये वासु है, जो प्रभु हैं, वो दोनों सेम दिखते हैं ना, दे बोथ आर लुकिंग सेम. दैट्स वाई अम्मा वॉज कन्फ्यूज ऑन दैट डे, ठीक है ना, शी गॉट कन्फ्यूज, वो कन्फ्यूज हो गई थी. एंड शी थॉट दैट नाउ प्रभु वॉज देयर एंड शी वॉज फीडिंग टू प्रभु, बट दैट वॉज नॉट प्रभु, दैट वॉज वासु. ओके वासु हैज ईटन 5 मोर डोसास इंस्टेड ऑफ प्रभु, ठीक है. एंड देयर इज नो मोर बैटर लेफ्ट, अम्मा सेड. और देन दैट डोसा एंड बैटर वॉज फाइनली ओवर, दैट वॉज फाइनली लेफ्ट, दैट वॉज फाइनली फिनिश, वो फिनिश हो गया था, ख़त्म हो गया था, ठीक है ना. बट आई हैव जस्ट रीच्ड होम. तो क्या कहते हैं, कौन कहता है, प्रभु कहते हैं कि मैं क्या हूँ, मैं तो अभी जस्ट होम पे रीच किया हूँ, पहुँचा हूँ. आई हैव नॉट ईटन एनी डोसा सेड प्रभु. ओके और वो कहते हैं कि मैंने अभी तक एक भी डोसा ईट नहीं किया है. मीन्स वॉट एवर डोसाज वर ईटन दैट वॉज ओनली बाई वासु. वासु हैज़ ईटन ओके दिस ऑल डोसाज इंस्टेड ऑफ प्रभु. ओके स्टूडेंट्स, नाउ इट वॉज एक्सप्लेनेशन of your page number
14. And now the remaining explanation we will read about the next day. Hope students, you all understanding this page number and whatever I explain. So now let's start to read this story and then write some hard words in notebook. Okay students, thank you. Have a nice day.